Yes, good afternoon all of you. This is maths teacher from Raisen Public School. Today I am here to teach class 5 maths, chapter number 3. The name of this chapter is how many squares are there. Hum chapter 3 padhenge aur us chapter ka naam hai how many squares. To ye squares aapne last class mein padha hai. Squares isme aapko kitne nazar aa rahe hain? Total squares 10 hai. Dekhiye, ek ye hai, एक ये पूरा है, एक ये वाला है 3, एक ये वाला है 4 और ये छोटे छोटे जो अंदर है 4 ये भी काउंट होंगे और एक पूरा ये वाला एक ये काउंट होगा. तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पे? 10. ओके, अब ये फिगर में बताते हैं आपको. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक स्टार छोटा है, एक स्टार बड़ा है. बिग वाला एक स्टार जो फर्स्ट में है ये बिग इन साइज है, साइज इसका बड़ा है. जो पीछे वाला है ये स्मॉल इन साइज है, छोटा है. ओके, बिग स्मॉल आपको पता होगा. हम चैप्टर के अंदर गो थ्रू करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वी विल डिस्कस हियर हाउ टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज द टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर. पैरामीटर किसको कहते हैं? टोटल लेंथ. ये जो टोटल लेंथ होती है स्क्वायर की, इसको बोलते हैं सम. इसका पूरा सम करेंगे तो पैरामीटर फाइंड होता है. ठीक है, जब सबको जोड़ लेंगे स्क्वायर का पूरा साइड को तो स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड हो जाता है. हैज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ये फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें कितने क्या साइड की क्या लेंथ दी है? 2 सेंटीमीटर. मतलब ये स्क्वायर का जो साइड दी है वो 2 सेंटीमीटर दी है. तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं. अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर दी है तो बाकी साइड भी 2 सेंटीमीटर होंगी. नेक्स्ट, वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल. आपको पता है कि स्क्वायर्स की जो चारों साइड होती हैं वो एक बराबर होती हैं. उसके 4 साइड्स इक्वल्स होते हैं, एक छोटा बड़ा नहीं होता. 4 पूरे 4 साइड्स उसके बराबर होते हैं. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे हम ए बी सी डी, आपको साइड में इमेज दिख रही है स्क्वायर की, ए बी सी डी की. इसमें क्या साइड दी है? 2 सेंटीमीटर. मतलब अगर इसका एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो पूरे 4 साइड्स इक्वल होते हैं. तो 4 साइड्स पूरे 2 सेंटीमीटर के होंगे. ठीक है, अगर कोई चीज का पैरामीटर फाइंड करते हैं तो उसका पूरा सम ऑफ ऑल साइड्स को बोलते हैं उसका पैरामीटर. तो यहाँ पे क्या दिया है? ए और बी. पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ऊपर से ए और बी, फिर बी और सी और सी डी, फिर ए डी. अगर एक साइड दिया है 2 सेंटीमीटर तो चारों साइड उसकी 2 सेंटीमीटर ही होगी. ठीक है, अब उसका फॉर्मूला आपने ऊपर देखा हुआ है, 4 इंटू साइड. मतलब 4 में कितना मल्टीप्लाई करना है साइड का. साइड कितनी दी है यहाँ पे? 2 साइड्स 2 सेंटीमीटर. तो 4 में 2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 कितना होता है? 8 सेंटीमीटर. इसका आंसर कितना निकला? 8 सेंटीमीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ अ एस साइड. जो पैरामीटर होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. पहले भी पढ़ाया अपन ने, ये ऊपर पढ़ाया. अभी ये फॉर्मूला है, ये वाला जो लिखा है ना, ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेना. 4 इंटू साइड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं. ये इमेज दी है आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली चारों साइड्स की 2 सेंटीमीटर होंगी. मतलब हमें 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमें पैरामीटर फाइंड हो जाएगा स्क्वायर का. अब नेक्स्ट मूव करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. हेंस वी कैन फाइंड द पैरामीटर बाय एडिंग ऑल 4 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. अगर पैरामीटर हम रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो हम चारों साइड इसकी जो लेंथ दी है सबको ऐड करेंगे. पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी. सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओनली 2 साइड्स टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आपको एक साइड दी हो रेक्टेंगल की, ये देखिए इमेज में देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला साइड है इसका जो जस्ट अपोजिट सामने साइड होता है ये इसके बराबर इक्वल होता है,
और ये वाला जो साइड है ये इसके अपोजिट में होता है, मतलब अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पैरामीटर ऑफ द ग्लोब रेक्टेंगल विथ अ साइड ए यूनिट एंड बी यूनिट, ये जो फिगर दी है आपने आपको इसका क्या नाम है, ए यूनिट, और आमने सामने दूसरी का नाम है बी यूनिट। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, अब यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करा है, बनाया है कि अगर ए प्लस बी और ए प्लस बी हम दो बार ए ऐड करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टू ए, यहाँ पे ए जो है वो दो बार आया है ना, ए और ए, तो हम उसको टू ए लिख सकते हैं, और जो बी है वो दो बार आया है तो उसको टू बी लिख दिया। ठीक है, अब इससे फॉर्मूला बन गया कि टू टू दो बार आया इसलिए हमने उसको एक बार कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बचा था हमारे पास यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी प्लस में ब्रैकेट में रख दिया। Hence the formula for the parameter of rectangle equal to 2 into sum of adjacent sides. So parameter of rectangle फिर क्या बोला है यहाँ पे, क्या होता है 2 into sum of adjacent sides means L into B, length into breadth. ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये rectangle का formula है, पहले हमने square का formula देखा है, अब rectangle का देख रहा है, rectangle का होता है 2 into L plus B. अब एग्जाम्पल पे जाते हैं हम, आपको समझ में आया इतना कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं और उसका पैरामीटर साइड प्लस करके निकालते हैं। ओके, अब इसके बाद हम रेक्टेंगल पे आए, रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल फिगर्स देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फाइंड करेंगे पहले हम, रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर अभी आपको बताया था फॉर्मूला हमने, 2 इंटू एल प्लस बी होता। ओके, द फॉर एग्जांपल द टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अगर आपको रेक्टेंगल में दो साइड्स दिए हैं आपको उसको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आपको दो साइड दी है, एक का कितनी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और नेक्स्ट की है 5 सेंटीमीटर। तो क्या मानेंगे हम कि L हमारा 2 है और B जो है वो 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। Therefore, the perimeter of the rectangle, अब यहाँ पे रेक्टेंगल निकाल रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ये एक साइड है और ये 2 जो दी है दूसरी साइड दी थी, तो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, अंदर हमारे पास क्या क्या है 5 और 2, 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है 7, फिर क्या हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 2 7 जा 14 होता है, और सेंटीमीटर में था ये चीज इसलिए सेंटीमीटर में इसका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रेक्टेंगल इफ ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फाइंड बी एंड सी, नीचे जो फिगर दिख रही है आपको इसमें बता रहे हैं अगर ए जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर और जो डी है वो 3 सेंटीमीटर है, आपको बी और सी फाइंड करना है। तो बी और सी क्या होता है, ये क्या दिख रहा है, कौन सी फिगर है, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड जो उसके होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने अपन को क्या दिया, ए दिया है मतलब सी ए के बराबर होगा, डी दिया है तो डी बी के बराबर होगा। इनने क्या पूछा अपन से, बी एंड सी फाइंड करिए, तो बी हम फाइंड करेंगे, इनने हमें डी दे के रखा है मतलब जो डी है वही बी है और जो ए है उतनी लेंथ सी की है। ठीक है, इसलिए इसमें फाइंड नहीं करेंगे, हम एक लाइन लिख देंगे कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए जो ए और डी की लेंथ है वही बी एंड सी की रिस्पेक्टिवली लेंथ होगी। ओके, हियर यू आर चैप्टर्स एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।